देवांजलि मोइत्रा। 16 जून को भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में हार मिलने के बाद तो जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बुरे दिन ही शुरू हो गए हैं। लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रोल करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे, खासकर पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद को। जब से उन्होंने भारत के साथ मैच के दौरान उबासी ली है, तब से लेकर अब तक ट्विटर यूजर्स उन्हें लेकर तरह तरह के मीम्स बनाकर उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो अपनी उबासी की वजह से वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से ट्रोल हुए कि अब अपने वतन वापस लौटने में भी उन्हें घबराहट होने लगी है। उसके बाद 23 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीतने में तो सफल हो गया, लेकिन इस मैच में भी पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने विरोधियों को फिर एक बार उन्हें ट्रोल करने का मौका दे दिया। तभी तो मैच में जब सरफराज लॉर्ड्स मैदान की बालकनी से नीचे झुककर किसी से बात कर रहे थे, इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कैप्शन के साथ पाकिस्तान टीम के कप्तान का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कैप्टन 2.0 नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ओनली 90s किड्स, अरे सिग्नल आया क्या? फिर गरीब चाचा नाम के ट्विटर यूजर ने तो भारत पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले पाक खिलाड़ियों के पार्टी करने को लेकर सरफराज अहमद पर तंज कसा है। वो लिखते हैं, नहीं खाए हमने कल रात को बर्गर पिज्जा। फिर वैभव नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, जैसे जोमैटो गाय ने सरफराज से कहा हो, सर मैं आपके पिज्जा और बर्गर लेके नीचे खड़ा हूँ। और सरफराज बालकनी से लटक कर कहते हैं, भैया प्लीज ऊपर आ जाओ, थर्ड फ्लोर है। फिर ब्रूस वाइने नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, कंबल तकिया फेंक दे, ऊपर मस्त हवा चल रही है। वहीं अली नाम के ट्विटर यूजर ने तो जो बच्चे गली में खेलते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोगों के घर पर बॉल जाने पर जो लोग देते नहीं हैं, उनकी तर्ज पर सरफराज पर तंज कसा है। वे लिखते हैं, अब बॉल आई तो वापस नहीं मिलेगी। गॉडमैन चिकना नाम के ट्विटर यूजर ने तो सब टीवी पर दिखाए जाने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बेन से ही सरफराज अहमद की तुलना कर दी। लिखते हैं, जैसे दया ऊपर से आवाज लगा रही हो, टप्पू के पापा। माथा पच्ची नाम के ट्विटर यूजर सरफराज की तस्वीर के साथ लिखते हैं, फखर भाई 20 रुपए के पकौड़े लेकर आना। राजीव कपूर नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, जैसे सरफराज अहमद किसी सब्जी वाले से पूछ रहे हो कि भैया टिंडे कितने रुपए लगाओगे। वही मुन्ना नाम के ट्विटर यूजर ने सरफराज अहमद का मजाक कुछ इस अंदाज में उड़ाया है, जैसे सरफराज अहमद डिलीवरी बॉय को डांट रहे हो कि आज बिरयानी लानी थी, पिज्जा बर्गर कितना खाएंगे। निहारी नाम की ट्विटर यूजर सरफराज अहमद की बालकनी में लटकने की तस्वीर के साथ लिखती है, टंकी फुल हो गई है, मोटर बंद कर दो। भट्ट जी नाम के ट्विटर यूजर ने सरफराज अहमद के लिए लिखा, जैसे चौथी मंजिल पर रह रहा शख्स तीसरी मंजिल पर रह रहे शख्स से कहता है, भाई नल बंद कर दे 5 मिनट के लिए, पानी नहीं आ रहा ऊपर। तो ये थे वो मीम्स जिनके जरिए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। पहले भारत के साथ मैच के बाद पाकिस्तान की टीम ट्रोल हो गई, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद की एक तस्वीर वायरल होने की वजह से वो फिर से ट्रोल हो गए।